This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purposes only. Trading in any form involves risk. So before everything you do, analyze your financials and then decide. We are not responsible for your any kind of losses. 18 plus. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान ओनली वीडियो। फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में यहाँ पे फॉरेस्ट ट्रेडिंग के बारे में एक नोटिस जारी किया गया है जो कि आरबीआई की तरफ से है, और उस नोटिस में बताया गया कि कौन कौन से, मतलब उनको नोटिस किया गया है, कौन कौन से ब्रोकर को, चाहे वो एक्सएम हो गए, कौन सारे नाम मैं आपको बताऊँगा, और क्या इसका पूरा क्या मतलब पूरी डिटेल्स क्या है वो भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और क्या ये लीगल हो सकता है या बैन कर सकते हैं इसको, और क्या इस पर आप जेल जा सकते हैं, तो सारा डिटेल आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा। बाकी चैनल पर अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अर्निंग्स रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पर आती रहती है, और जिससे काफ़ी लोगों को प्रॉफिट भी होता है। आपको प्रूफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रूफ आपको भर भर के मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा बंदों ने लूटा हुआ है यहाँ पर, $100, $150, $200 ऐसे करके। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको आरबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आ गए हैं, देख लीजिएगा आप यहाँ पर खुद भी, ठीक है। 11 सितंबर की ये शायद अपडेट है, न्यूज़ है 11 सितंबर की। और यहाँ पे देखो आप, जब इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, सॉरी एक हेडलाइन देखने को मिल जाएगा, जो कि ये देखिए, आरबीआई इश्यूज अलर्ट लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट नॉट ऑथराइज्ड टू डील इन फॉरेक्स एंड टू ऑपरेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस। तो वो लिस्ट में किस किस ब्रोकर का नाम है, क्या अगर आपने कहीं इन्वेस्ट करा आपका पैसा लॉस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। अभी जब आप इस पर टच करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस आ जाएगा, एक पूरा नोटिस आ जाएगा कि जिन्होंने पूरा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। और एक और बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे कि इन्होंने बोला कि जो लिस्ट में जारी हुआ है वो सबके ऊपर मतलब अलर्ट है, ठीक है। तो इसमें ये जो पूरा इनका हेडलाइन है, इसमें मैंने पढ़ा, तो इसमें ऐसा है कि जो भी ये लोग लिस्ट जारी किए हैं, जैसे कि 39 या 38 कुछ ऐसे लिस्ट हैं फॉरेक्स हैं, तो मान लीजिए अगर आपका फॉरेक्स ब्रोकर उनके लिस्ट में नहीं आ रहा है, उनके नेम में नहीं आ रहा है, तो भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इन्होंने इसमें यही लिखा है कि इनके हिसाब से जो भी मतलब गतिविधियाँ इनको मिली हैं, जो भी हुआ है उस हिसाब से इन्होंने एक ओवरव्यू पूरा रिजल्ट बनाया, और साथ ही साथ इसमें इन्होंने कह दिया है कि जो लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, जो भी ब्रोकर हैं जो लिस्ट में हमारे नहीं नाम आ पाए, उनका भी सेम प्रोसेस यही होगा। मतलब जिनका लिस्ट में आया है नाम उनका भी यही होगा, जिनका नहीं आया उनका भी। तो बहुत से लोग अभी मतलब, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया, बहुत से लोग ये सोचते कि अरे मेरा तो नाम लिस्ट में आया नहीं ना, मैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री फंड होके ट्रेड कर सकता हूँ, तो ये नहीं ना है, ठीक है। अभी मैं आपको नाम दिखा दूँगा कौन कौन से नाम हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक दे दूँगा, या आप खुद भी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना और यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और वैसे मेरी इंग्लिश तो कुछ खास अच्छी नहीं है, तो मैंने यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट का यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने हिंदी में करके पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हालांकि आरबीआई को कुछ ईटीपी, यहाँ पे देखो ईटीपी की प्रतिकरण स्थिति पर स्पष्टीकरण मांगने वाले संदर्भ प्राप्त होते रहते हैं, इसीलिए आरबीआई के वेबसाइट पर उन संस्थाओं की अलर्ट लिस्ट डालने का निर्णय लिया गया है जो ना तो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 फेम एक्ट जो है के तहत विदेशी मुद्रा से सौदा करने के लिए अधिरिक्त हैं, और ना ही विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए अधिरिक्त हैं। अलर्ट सूचित संपूर्ण नहीं है, देखो इन्होंने ये चीज़ बोल दिया यहाँ पे कि जो आपका अलर्ट सूची वो यहाँ पर संपूर्ण नहीं है, ठीक है। और इस प्रेस विज्ञापित के समय आरबीआई को जो जानकारी थी उस पर आधारित है। अलर्ट सूची में दिखाई देने वाली इकाई को आरबीआई द्वारा अधिकृत नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति ईटीपी की प्राधिकरण स्थिति अधिकृत व्यक्तियों और अधिकृत ईटीपी की सूची से पता लगाया जा सकता है। मतलब इसमें इन्होंने बोल दिया कि जो इनको जानकारी थी उन्होंने वो लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन जो मतलब इनके लिस्ट में नहीं है उन पे भी ये चीज़ जो भी प्रोसेस होगा उन पे भी सेम चीज़ होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप पढ़ लेना। बाकी मैं आपको यहाँ पर कुछ नेम्स बता देता हूँ जो कि इन्होंने अलर्ट लिस्ट में जारी किया हुआ है। तो ये इनका यहाँ पर अलर्ट लिस्ट, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर
तो यहाँ पर देखो अलर्ट लिस्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक इनका नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये वो पूरा यहाँ पे जो भी इन्होंने लिस्ट जारी किया हुआ उसके डिटेल में इन्होंने बताया हुआ है, और यहाँ पे उसकी नेम से यहाँ पे दिया गया है, ये इसका नेम है, ये इनका पूरा पूरा वेबसाइट है। अभी मैं एक इसमें एक और चीज़ आपको दिखाऊंगा जो कि शायद आपको देखना चाहिए, ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे टोटल ओवरऑल यहाँ पे देखो 34 यहाँ पे जो लिस्ट में नेम आए हैं, 34 लिस्ट में नेम है। अब जो इस लिस्ट में नहीं है उनके लिए भी सेम प्रोसेस है, उनको भी झेलना पड़ेगा जो इन लोगों को झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लोग खुश ना हो जिनका ब्रोकर इस लिस्ट में नेम नहीं ना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे जो नेम पहला है अलपरी है, ठीक है। तो देखो पहला जो हमारा ब्रोकर यहाँ पे दिया गया वो अलपरी है, उसके बाद NFX AVA ट्रेड बिनोमो को दे दिए हैं, ई टोरो एक्सनेस जिसको मैं यूज़ करता हूँ, जिसको मैं बताता हूँ बढ़िया है, उसका भी यहाँ पे नेम है। एक्सपर्ट ऑप्शन FBS, देखो FBS तो भाई यहाँ पे ख़त्म ही हो चुका है, इंडिया में अवेलेबल ही नहीं ना, ठीक है। इंडिया में इसने अपनी सर्विस देने से मन बंद कर दिया है, उसके बावजूद भी इन्होंने उसका नेम मेंशन किया। अब किस तहत इन्होंने उसका नेम मेंशन किया, क्या सोच के, ये मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। बाकी अगर इन्होंने ये इस हिसाब से निर्णय लिया है कि ये सारे ब्रोकर इंडिया में लेन देन कर रहे हैं तो भाई अब तो ये गलत है। अगर ये पहले ये नोटिस करते तो हम मानते कि हाँ FBS भी है, लेकिन अभी तो ये है नहीं, ठीक है, ये तो ख़त्म हो चुका है, इंडिया में है ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखो फिन FX प्रो, तो यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे कितने नेम दिए, FTMO को भी दे दिया फॉरेक्स। FTMO मैं बता दूँ यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग इसमें होता ही नहीं ना, ठीक है, इसमें किसी भी तरह का फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं होता, ये एक बिजनेस टाइप का है जिसको अकाउंट देता है, जिसको नॉलेज वगैरह होता है बस यहाँ पे, ठीक है। तो FTMO का नाम भी इन्होंने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद FX प्रीमियर, FX स्ट्रीट। अब देखो ये जो FX स्ट्रीट है ये एक न्यूज़ वाली वेबसाइट है, तो इन्होंने इसका भी नेम यहाँ पे दे दिया है। मैं आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, एक ये ना रहे कि बस मुँह से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं इसको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ कि जो वेबसाइट है, ठीक है, ये FX स्ट्रीट मैंने ओपन कर लिया, और ये सिर्फ एक न्यूज़ वाली वेबसाइट है, फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। पूरा जो भी मतलब डिटेल होता है, जो भी न्यूज़ वगैरह आता है वो यहाँ पे सिर्फ आपको मिलता है, लेकिन इन्होंने उसका भी नेम यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये भी इसमें शामिल है। तो अब पता नहीं किस हिसाब से इन्होंने ये चीज़ बोला है, बाकी अगर ये होना नहीं चाहिए, ठीक है। IC मार्केट, ओलंपिक ट्रेड, ट्रेड साइट, FX, अर्बन, XM, FTB, XTB, तो इतने सारे नाम इन्होंने दे दिए हैं, और कुछ तो इसमें मतलब है ही नहीं इंडिया में, और कुछ यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग होता नहीं, तो उन सब का नाम भी इन्होंने लपेट दिया है एक ही बार में। अभी देखो अब क्या ये जो जितने भी नेम यहाँ पे दिए गए हैं, IC मार्केट, iForex, ये वो, तो यहाँ पे इनका इनके कहने मतलब है कि ये डायरेक्ट जो कि 99 है फेमा एक्ट, उसका ये लोग मतलब उसका निगेटिव कर रहे हैं, उसका अपोजिट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उस कानून को तोड़ के ये लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो देखो ऐसा यहाँ पे है नहीं, क्योंकि जितने ब्रोकर वगैरह हैं, ठीक है, उनमें से सारे ब्रोकर यहाँ पे इंडिया में ही डिपॉजिट लेते हैं प्लस इंडिया में ही विड्रॉल देते हैं, तो हमारी जो करेंसी है वो बाहर जाती ही नहीं, बात ख़त्म यहाँ पे, ठीक है। जो हमारी करेंसी है आप यहाँ पे डिपॉजिट करोगे इंडियन ही बैंक में डिपॉजिट करोगे, ठीक है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है कौन से ब्रोकर ट्रस्टेड है, कौन सा नहीं, ना किसके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, कौन सा यूज़ करें, कौन सा नहीं ना यूज़ करें, तो उसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको देख लोगे आप तो पूरी आपकी आँखें खुल जाएंगी, ठीक है। कैसे लीगल है, कैसे अनलीगल है, ब्लैक ब्लैक होल ब्लैक लूप का प्रयोग क्या है, सब कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो इन्होंने इलीगल समझ के इसको यहाँ पे नोटिस जारी किया हुआ है, उस हिसाब से तो यहाँ पे ये सारे ब्रोकर जो एक्सनेस है ये इंडिया में ही डिपॉजिट लेता है, इंडिया में ही इंडियन बैंक में ही विड्रॉल देता है, तो यहाँ पे जो इनकी करेंसी ना बाहर जा रही ना आ रही, ठीक है। तो यहाँ पे ये नोटिस जारी करने का इनका कोई मतलब नहीं बनता, बट पता नहीं किस हिसाब से इन्होंने जारी किया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही यहाँ पे आपको बताना था, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं कुछ फॉरेक्स ट्रेडिंग के, कुछ एयर ड्रॉप के हैं, कुछ फ्री अर्निंग के, तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं हर चीज़ पे टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और हाँ ये अभी सिर्फ नोटिस जारी हुई, तो कुछ आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं ना। प्लस एक और चीज़ मैं बता दूँ, जैसे कि हमारा जो FBS है, इन्होंने जैसे कि इंडिया को सर्विस देना बंद किया था, तो बहुत ही टॉप ये चल रहा था, और इन्होंने क्या किया, एक एक बंदे का एक एक रुपए दे के ही अपना ब्रोकर यहाँ से बंद किया। ये नहीं कि बस इकट्ठे लेके भाग गया सबका पैसा, एक एक रुपए सबका जो भी बाकी था उसको उसने दिया।
ठीक है, बंद सर्विस बंद करने से पहले इसने बता दी कि हमारी सर्विस बंद होने वाली है, आप लोग अपना अपना पैसा निकाल लो, ये नहीं कि भाग ले। तो भाई कुछ ट्रस्टेड होते हैं ब्रोकर जो ऐसे करते हैं, जो जेन्युइन होते हैं, बाकी यहाँ पे किसी का भरोसा नहीं है। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में कौन सा लीक भाग जाए। और ट्रस्टेड अगर आपको देखना है तो मैंने उस पर वीडियो बनाया है, मैंने आपसे बताया, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा, 24 मिनट की वीडियो है, उसमें आपको A to Z सिस्टम पूरा समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और कुछ डाउट कुछ कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है वो भी हमारे साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।